लघु सचिवालय के प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। पानीपत जिला के गांव नैन में निर्माणाधीन गो अभ्यारण के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के लिए बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त सुमेघा कटारिया ने कहा कि सभी जिला अधिकारी जिला स्तरीय बैठकों में पूरी तैयारियों के साथ भाग लें और करवाए गए निर्माण कार्यों के सदुपयोगता प्रमाण पत्र यूसी तुरंत जारी करें, ताकि निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से पूरा करके संबंधित विभाग से आगामी राशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि गोवंश को संरक्षण प्रदान करना हरियाणा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। पानीपत जिला में 25 गौशालाएं और एक विशाल गो अभ्यारण्य भी है, लेकिन 400 के लगभग गोवंश अभी भी गौशालाओं के बाहर भटक रहे हैं। इसीलिए इन पशुओं को शीघ्र गौशालाओं में भेज दिया जाए और 26 जनवरी के बाद जिले में कोई भी गोवंश सड़कों पर आवारा घूमता नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों को तलख लहजे में निर्देश दिए कि यदि कोई भी नागरिक किसी भी गौशाला अथवा नैन गो अभ्यारण्य में किसी भी समय गोवंश को लेकर आता है तो तुरंत उस पशु को गौशाला में प्रवेश दिया जाए। यदि गौशाला में गोवंशों की संख्या बढ़ती है तो उसके बाद ही सूचित किया जाए। मीटिंग ये गो अभ्यारण्य के निर्माण जो चल रहा है उसकी प्रगति के बारे में मीटिंग उपायुक्त महोदय द्वारा ली गई थी, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त महोदय एवं CEO जिला परिषद और तकनीकी विंग से हमारे पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद थे तथा जिला गौशाला संघ के प्रधान हरिओम तायल जी, कुलवीर खरब जी जो गौसेवा आयोग के सदस्य हैं एवं गाँव नैन में जो भी गौशाला चला रही है उसकी जो प्रबंधन समिति है वो सभी सदस्य मौजूद। तो सर अब जो आवारा पशुओं का कब तक वहाँ पे जाने की उम्मीद है? आवारा पशुओं को हम 26 जनवरी से पहले वहाँ पर जिले के जो आवारा पशुओं को भिजवा देंगे।